शाम के 7:30 बजे थे। राजस्थान के भिवाड़ी शहर में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। ये दुकान है कमलेश ज्वेलर्स, शहर के भीड़भाड़ वाले मार्केट इलाके में। इस दुकान में भी शॉप मालिक जय सिंह सोनी अपने छोटे भाई मधुसूदन और बाकी कर्मचारियों के साथ काम में मसरूफ थे, लेकिन तभी मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथ में कट्टे और डंडे लिए 5 बदमाश अचानक दाखिल होते हैं और इसके बाद शुरू होता है तांडव। पहले तो बदमाशों ने कमलेश ज्वेलर्स के संचालक और बाकी कर्मचारियों पर कट्टा अड़ाया और फिर बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी। अचानक धावा होने से घबराए दुकान के सभी लोग कोने में दुबक गए। किसी के सिर पर बंदूक का बट लगा तो किसी के डंडे से पिटाई। इस बीच बड़ी फुर्ती से बदमाशों ने दुकान के शोकेस तोड़ना शुरू किया और जेवरात समेटने लगे। सभी बदमाश अपने साथ बैग और प्लास्टिक के बोरे लाए थे, जो हाथ आ रहा था बैगों में ले जा रहे थे। दुकानदार जय सिंह और उनके लोग बस चुपचाप अपनी दुकान अपनी आंखों के सामने लुटते देखते रहे। इस बीच एक बदमाश के चेहरे से रुमाल का नकाब भी उतर गया। गौर से देख लीजिए इस बदमाश का चेहरा, जो उजागर हो गया है। सीसीटीवी की नजर में आ गया है ये बदमाश। लेकिन सामान समेट कर जैसे ही पांचों बदमाश बाहर निकलने को होते हैं, दुकान संचालक, उनका भाई और बाकी लोग अचानक उन्हें पकड़ने की एक और आखिरी कोशिश करते हैं। इस दौरान बदमाशों और कर्मचारियों में दरवाजे के पास जोरदार झड़प हो गई। भागते हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान दुकान मालिक जय सिंह और उनके 2 साथियों को गोली लग जाती है। जय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते वक्त कमलेश ज्वेलर्स के मालिक ने दम तोड़ दिया। मृतक रेवाड़ी के रहने वाले थे और रोजाना वहां से आना जाना करते थे। शोरूम के बाहर से कुछ लोगों के जरिए बनाए गए वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी घायल को अस्पताल ले जाने की कवायद कर रहा है। इसका मतलब भीड़ भरे मार्केट में आसपास पुलिस कहीं थी। बावजूद इसके बदमाशों ने शाम के वक्त बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। हाथापाई में बदमाशों से ज्वेलरी से भरा प्लास्टिक बोरा भी गिर गया और आभूषण वहीं बिखर गए। सूचना पर SP ज्येष्ठा मैत्रेय, DSP मुकेश चौधरी और थाना अधिकारी देवेंद्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। लूट और फायरिंग का ये पूरा घटनाक्रम महज 10 मिनट में हो गया। इस दौरान बदमाश कितने आभूषण लूट कर ले गए, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। घटना के दूसरे दिन शनिवार सुबह से ही भिवाड़ी के व्यापारी धरने पर बैठ गए हैं। व्यापारियों से मिलने तिजारा से BJP विधायक बाबा बालकनाथ भी पहुंचे, लेकिन अपने साथी व्यापारी की मौत और लूट से गुस्साए दुकानदारों ने उठने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि राजस्थान में BJP की सरकार है।